हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8C, क्वेश्चन नंबर 1C। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 8A एंड 8B, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हुए हैं। उसका लिंक भी आपको वीडियोस का आपकी जो क्लास 7 की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने लिंक प्लेलिस्ट का। आपको बस उसको ओपन करना है, सारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियोस आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हमने यूनिटरी मेथड को अच्छे से समझ लिया हुआ है, कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से निकालते हैं, इन्वर्स क्या होता है वो भी मैंने आपको डिटेल में सिखाया लास्ट वीडियोस में। अब हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का रिलेशन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 1। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। कोई वर्क है जो ए को कितना टाइम लगा करने में, 6 डेज। बी, वो सेम वर्क, ए उस वर्क को 6 डेज लगाएगा एंड बी 8 डेज में वो फिनिश कर सकता है, अगर अलग अलग वो काम करे सेपरेटली। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कम्प्लीट द वर्क टुगेदर, अगर उन्हें एक साथ काम करना है तो उनको कितना टाइम लगेगा। इट मीन्स आपको लास्ट भी कंसेप्ट पता है ना, जब हम वर्क को मैनी पर्सन करते हैं तो वर्क जल्दी हो जाता है, तो ज़्यादा पर्सन काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता है, पर टाइम एंड वर्क में कैसे सीखना है वो हमने समझना है। तो देखिए, ए कैन डू, जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं आपको ऐसे ही लिखनी है, इससे आपको ईजी लगेगा क्वेश्चन को समझने में। ए कैन डू अ वर्क इन हाउ मैनी डेज, 8 डेज। अब देखिए ध्यान से समझिए, एक वर्क है, कोई अ वर्क लिखा है मैंने, वन वर्क है, उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 डेज। अगर हमें देखना है वही ए पर्सन वन डे में कितना काम करेगा, तो वो होगा 1/6 इज 1 डेज वर्क। ये नंबर ऑफ डेज नहीं है, कितना काम करेगा। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कोई पर्सन, ध्यान से समझना ये कंसेप्ट, अगर आपको समझ आ गया ना अच्छे से, तो टाइम एंड वर्क आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। 6 डेज में कोई पर्सन अपना वन वर्क कर रहा है, तो अगर उसने 1 डे में काम करना है तो वो कितना करेगा, उसका कुछ पार्ट ही करेगा, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 1/6। अब देखिए आपको समझ भी आ गया कि ए इज 1 डे वर्क हमने कैसे फाइंड किया इस कंसेप्ट से। ऐसे ही बी 8 डे इसमें काम करते हैं, तो 1 डे में कितना करेगा, 1/8। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया ये कंसेप्ट, हम बार बार अब ऐसे ही जब करेंगे सीधा हम लिख लिया करेंगे कि इसका 1 डे वर्क क्या होगा। अब आप देखिए, हमें तो दोनों को टुगेदर करना है, इसलिए मैंने a+b लिख लिया। a+b मीन्स ए एंड बी टुगेदर 1 डे वर्क, एक दिन में वो कितना काम करेंगे, ये एक दिन में इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया 24 आ गया, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 1 3, तो 7/24। ये क्या है, 1 डेज वर्क, एक दिन में इतना काम करेंगे, मतलब जितना काम है उसमें से इतना पार्ट वो 1 डे में करेंगे। हमें निकालना है हाउ मैनी डेज, मतलब हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कम्प्लीट इट टुगेदर, कितने डेज लेंगे। अभी हमने कंसेप्ट समझ लिया है, अभी हमने 1 डे के लिए निकाले कि एक दिन में इतना काम करेंगे, अब हमें निकालना है वो पूरा जो 1 वर्क था वो कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7/24 काम 1 डे में हो रहा है, हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 डे वर्क। ये आ गया आपका 1 डे वर्क, 1 से इसको डिवाइड कर देना, आपको पता है फ्रैक्शंस डिवाइड तो होती नहीं है, तो क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, ये बन गया 24/7। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका लिख देते हैं आंसर, 24/7 इज इक्वल टू 3 3/7 डेज। इट मीन्स 3 डेज और कुछ आवर्स लगेंगे उन दोनों को इकट्ठे मिलके वो काम करने में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो अगर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 10 डेज में कर लेंगे, एंड बी अलोन कैन डू द सेम वर्क, बी अकेला वो काम करे तो 15 डेज में करेगा। हमें देखना है ए अलोन वो वर्क कितने डेज में कर लेगा, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए एंड बी का टुगेदर वो कितना टाइम ले रहे हैं, टुगेदर दे कैन डू वर्क इन कितने डेज, 10 डेज में। देन इनका 1 डे वर्क क्या होगा, a+b's 1 डे वर्क। अभी हमने समझा 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं,
वन से नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करके। ऐसे ही बी कैन डू वर्क इन कितने डेज में वो करेगा, 15 डेज में। एंड बीज वन डेज वर्क इज इक्वल टू 1/15। अब आप ध्यान से देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इज वन डेज वर्क, ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो टोटल जो दोनों का आया माइनस बी का वन डे वर्क पहले करेंगे, तो हमें यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया हमारे पास 30, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 3 वन ज़ा 3, 30 को 15 से डिवाइड कर लेते हैं 2, ऊपर आ गया 2 वन ज़ा 2, 1/30 आ गया इसका वन डे वर्क। अब हमें निकालना था कितने डेज में ये फिनिश कर लेगा, नंबर ऑफ डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन विच ए कैन डू द सेम वर्क, वही वर्क ए कितने डेज में कर लेगा अगर अकेला वर्क करता है। तो आपको फॉर्मूला पता ही है हमें क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि वन से हमें इसको डिवाइड करना होता है, डिवाइड तो फ्रैक्शंस होती नहीं है, तो आप सीधा कर दिया करो रेसिप्रोकल, आपका आंसर आ गया 30 डेज, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ आ गए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए कैन डू अ वर्क पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, ए 4 डेज में कर रहा है, बी सेम वर्क को 5 डेज में कर रहा है। फाइंड हाउ लॉन्ग हाउ मच वर्क कैन बी डन बाई देम टूगेदर इन 1 डे एंड इन 2 डेज। सिंपली जैसे हमें सम आता है हमें वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अब देखिए ए कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, ए इज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/4, बी कैन डू द वर्क इन 5 डेज, बी 1 डे में कितना वर्क कर सकता है 1/5, टोटल वर्क का 1/5 पार्ट। अब ए एंड बी दोनों 1 डे में कितना वर्क करेंगे, जो दोनों का 1 डे का हमारे पास वर्क आया उसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 20, 20 को 4 से डिवाइड किया 5, 4 तो हमारे पास आ गया 9/20, ये आ गया इन दोनों का 1 डेज वर्क। अगर हमें इन दोनों का 2 डेज वर्क, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, 2 डेज का निकालना है तो हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 वन ज़ा 2 टेन ज़ा, आपका आंसर आ गया 9/10, तो पूरे काम का 9/10 पार्ट फिनिश हो जाएगा 2 डेज में। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट आफ्टर दे हैव वर्क टूगेदर फॉर 2 डेज, जब 2 डेज तक वर्क कर लेंगे उसके बाद कितना वर्क अभी भी रहता है, तो आपको क्या निकालना है, वर्क लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। अब आप यहाँ देखिए 2 डेज में कितना वर्क हो गया, इतना वर्क था कितना 1, तो टोटल वर्क क्या था 1, उसमें से इतनी फ्रैक्शन उन्होंने 2 डेज में इतना काम कर लिया, कितना वर्क रह गया, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम इज 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो ऊपर 10 माइनस 9, तो आपका आंसर आ गया 1/10, तो 1/10 पार्ट अभी क्या रह गया है, स्टिल रिमेनिंग, बाकी वर्क कंप्लीट हो गया है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। यहाँ पे देखिए ए एंड बी टेक 6 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट अ वर्क, मीन्स ए ले रहा है 6 आवर्स, मैंने लिख दिया ए टेक 6 आवर्स टू कंप्लीट द वर्क एंड बी टेक 9 आवर्स। अब यहाँ पे ए 1 आवर में कितना काम कर लेगा, 1/6 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क, एंड बी 1/9। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ए ने वर्क 1 आवर के लिए ही किया है, पर बी ने जो काम किया है वो 2 आवर्स के लिए किया है, तो यहाँ पे हम बी का ये भी निकाल लेते हैं, बी इज 2 आवर्स वर्क, ए ने तो 1 आवर के लिए किया है, तो बी इज 2 आवर्स वर्क इज इक्वल टू 2 × 1/9, दैट इज 2/9, बी ने इतना काम कर लिया है। हमें क्या निकालना है, हाउ मच वर्क इज डन इन दीज 3 आवर्स, तो 3 आवर में टोटल कितना काम हो रहा है, ए ने इतना किया और बी ने इतना किया है, तो हमें टुगेदर निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ए का तो 1 आवर का निकालना है, तो लिखेंगे एज 1 आवर्स वर्क, ध्यान से देखना है इकट्ठा इसलिए लिखा क्योंकि उसका 1 आवर का था उसका 2 आवर का था, तो एज 1 आवर वर्क प्लस बी 2 आवर्स वर्क। यहाँ पे ये न्यू चीज़ थी यहाँ पे कि आपको एक का 1 आवर का दिया दूसरे का 2 आवर्स का दिया था,
तो हमें क्या करना है, 1/6 प्लस 2/9। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3, और 18 को 9 से करेंगे 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ गया 7/18। ये आ गया हमारा आंसर कि ए एंड बी इन टोटल 3 आवर्स में कितना काम करेंगे, 7/18। अब देखिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट था हाउ मच वर्क इज स्टिल लेफ्ट। आपको पता है टोटल वर्क कितना होता है, 1, तो हमें निकालना है वर्क लेफ्ट। कैसे निकालें, 1 में से वर्क डन को माइनस कर देते, नीचे कुछ नहीं है 1 ले लिया, 1 एंड 18 का एलसीएम 18 ही आएगा, 18 - 7, तो आंसर आ गया 11/18। कितना काम भी बचा है, 11/18 पार्ट फ्रॉम द टोटल वर्क जो उनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ए का 12 इट मीन्स, बी का 15 एंड सी का 20। हाउ लॉन्ग विल दे हैव टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। अगर ये तीनों मिलके काम करें तो कितनी देर में कर लेंगे, तो ए कैन डू अ वर्क इन हाउ मेनी डेज, 12, बी कर लेगा 15 और सी कर लेगा 20 डेज में। ए इज़ वन डे वर्क, 1/12 आपको अभी फॉर्मूला सिखाया था, 1/नंबर ऑफ डेज, 1/15 एंड 1/20, ये आ गया सी का। तो ए बी सी का हमने वन डेज वर्क लिख लिया, अब हमें निकालना है टुगेदर कितना होगा, तो हमें क्या करना है इन तीनों को ऐड, तो 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, देन 15, 12 एंड 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 5 - 5, देन 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, 16 को 20 से डिवाइड करेंगे 3, 3 - 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं, 5 + 4 कितना हो गया, 9 + 3, 12/60। अब इसकी कटिंग हो सकती है 12 के टेबल में, 12 - 1 = 12, 5 = 5, हमारा आंसर आ गया 1/5। उन्होंने पूछा भी ये था, सबसे पहले हमने पार्ट निकाले ना कितना वर्क हो रहा है 1/5, तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज का मैंने आपको भी फॉर्मूला सिखाया, 1 से हमें इसको डिवाइड करना होता है, डिवाइड तो होता नहीं है, तो मल्टीप्लाई डाल के रेसिप्रोकल कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 डेज। अब देखिए जब वो डिफरेंटली काम कर रहे थे अलग अलग, एक को 12 डेज, दूसरे को 20 एंड थर्ड पर्सन को मतलब 12, 15 और 20 ऐसे डेज लग रहे थे, बट जब वो मिलके एक साथ काम कर रहे हैं तो वो सारा का सारा वर्क 5 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होने से आपका टाइम हमेशा क्या हो जाता है, कम उस काम को करने का। अब हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 भी, आज हमने क्वेश्चन 1 - 5 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है और आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।